Now, this concept is based on the topic of the vector, which we learned in the class 11th physics. The topic of this video is rectangular components of a vector. And this question is application based on the topic of the vector. Now, just consider the question. We have the question in this way. A man rows a boat with a speed of 18 km per hour in the northwest direction. जस्ट स्टडी वन बाय वन दिस क्वेश्चन. एक आदमी अपनी नाव से जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन आ गए. अभी क्वेश्चन में आगे मत पढ़िए, हमको ये पता है कि ये डायरेक्शन होती है. ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई. तो एक आदमी अपनी नाव से जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, ठीक. और जब भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है तो एकदम बीचों बीच से होता है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया. तो ये ऐसे मिडल से जा रहा है, दैट मींस दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री. तो इस तरह से जब क्वेश्चंस हो फिजिक्स के, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ के आगे बढ़ो. ये तो पूरा पढ़ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर से उसको सोचना पड़ेगा. द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. और जो नदी की शोर लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो भी 15 डिग्री का एंगल बना रही है साउथ ऑफ वेस्ट. अब ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब कुछ ऐसे जा रही है शोर लाइन. तो दिस इज अवर शोर लाइन और ये जो एंगल बना रही है ये 15 डिग्री बना रही है, और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया. ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू शोर लाइन. तो यहां पर आप ये चीजें मैं बता दूं कि जब भी आपको अलोंग शोर लाइन लिखा हो तो वहां पर आप उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, और अगर परपेंडिकुलर टू शोर लाइन लिखा है तो आप उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं. यहां पर ये देख लीजिए कि जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो शोर लाइन का एंगल है ये वाला, ये 15 डिग्री है, ठीक. नाउ आई एम रबिंग द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट सम स्पेस टू राइट आंसर. Now, if it is given, find a vector along shoreline, then we have to find horizontal component of a vector. That means AX is equal to A cos theta. Now, perpendicular to shoreline, we have to find vertical component of a vector. A sin theta. Okay. Now, we have the value of vector A, which is 18 km per hour. But what is the angle which we used over here? Theta. Whether it is 15 degree, whether it is 45 degree, whether it is subtraction of 45 and 15, whether it is addition of 45 and 15. What will we do? So, in order to find the angle between theta, that means angle hame nikalna hai, wo jo boat row kar rahi hai aur shoreline ke beech ka total. So, that means theta angle here is 45 plus 15, which is equal to 60 degree. I think question is clear to you now. Now substituting different values, we get value of A is 18 km per hour and cos 60. This is the horizontal component, and 18 sin 60, this is the vertical component. So after substituting these values, 18 cos 60 means 1 by 2, which is equal to 9 km per hour. And here 18 sin 60 is under root 3 by 2.
टू नाइन्स 18, दैट इज 9 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. इफ यू वॉन्ट टू वॉच सम मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड द ऐप सोनिकान अकेडमी फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड कैन परचेज द होल कोर्स एंड अलॉन्ग विद लाइव क्लासेज एंड PDF etc. Thank you.